विलेज की लाइफ काफ़ी शानदार होती है, फ्री क्लाइमेट, 100% ऑक्सीजन मिलता है यहाँ पे। तो हम सुबह निकले थे यवतमाल से अभी तेलंगाना स्टेट में, अभी यहाँ से मानिकगढ़ किला जाएंगे, तो साइकिल में प्रॉब्लम आ गया हमारे, तो अभी यहाँ से सीधा मानिकगढ़ किला जाएंगे, वहाँ से बहुत से सारी प्लेस है तो विजिट करने के हैं। तो अभी हम जाते जाते कितना टाइम लगता पता नहीं, तो चलो चलते। तो ये जो पानी देख रहे हैं ये पांडरा पानी है, ये नदी में एक ही नदी इसमें पांडरा पानी आता है, तो ये अपने नदी में मैच नहीं होता ये पानी, तो क्या पता ये कुदरत का करिश्मा। तो ये देखो ऐसे कुछ नज़ारे, काफ़ी अच्छा पेड़ है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विदेश बाय इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो हम आए थे मानिकगढ़ किले में, तो जाते जाते हमें एक प्लेस काफ़ी अच्छा दिखाई दिया, और इस गांव में गाँव के मुझे कुछ दोस्त लोग मिल गए थे, तो बता रहे थे कि गाँव में काफ़ी अच्छे पेड़ पौधे हैं। तो ये गाँव जो है मारुतिगुड़ा है, ये मानिकगढ़ किले के बाजू में, तो यहीं पे आया था मैं, तो पहले किला जाके आया तो वहाँ से विजिट कर लिए, तो आपने वीडियो देखा ही होगा। तो मैं सीधा आ गया मारुतिगुड़ा। मारुतिगुड़ा में जो ये फॉरेस्ट इलाका में क्या क्या फैसिलिटी इस गांव में, और यहाँ का गांव का सिस्टम है काफ़ी मुझे अच्छा लगा। ये मारुतिगुड़ा में सभी कोलाम लोग ही बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे सब लोग काफ़ी अच्छे, मुझे काफ़ी हेल्प की। और कल मैं साइकिल राइडिंग करते करते इस गांव में कैंपिंग की, तो ये पूरा कैंपिंग का वीडियो है, और यहाँ के कुछ लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, तो इसी के गांव के बारे में सोच रहे थे, बता रहे थे कि इस गांव में क्या क्या फैसिलिटी है और क्या क्या है। तो ये गांव जो है पूरा जंगल एरिया में बैठा हुआ गाँव है, फॉरेस्ट इलाके में, और फॉरेस्ट लोग भी यहाँ पे काफ़ी हेल्प करते हैं इन लोगों को, कुछ सुविधाएँ फॉरेस्ट लोगों ने भी दी है। और यहाँ तो फाइनल हम मारुतिगुड़ा पहुँच ही गए, तो यहाँ से राइट लेने का है, अभी मानिक मारुतिगुड़ा में अभी हम इंटर हो गए। तो यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है, और ये एकदम 100% ऑक्सीजन वाला गांव है, और ये अपनी बाइसिकल, और ये देखो यहाँ गांव में जो है घर घर में 4-5 पेड़ लगे हुए हैं। अभी अपने चूल्हे पे खाना पक रहा है, खाने में चूल्हे का खाना अलग ही लगता है, खाने में अलग ही मज़ा आता है। अभी दाल भात चावल सब बना के हम खा रहे हैं। ये देखो हर घर में 4-5 पेड़ लगे हुए हैं, तो एक ऐसा घर को थोड़ी शोभा बढ़ा देता है, और घर को 4 चांद भी लग जाते हैं। ये देखो, और जब धूप काला का टाइम आता है तो थोड़ी ठंडक भी महसूस होती है ये झाड़ की वजह से। तो ये जो बारिश के टाइम में तो काफ़ी अलग मज़ा आता है, अभी तो ठंड का मौसम है। ये देखो यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा चूल्हे पे संपर्क करते हैं, ये छोटे छोटे झाड़ लगे हुए हैं, ये देखो ऐसा लोगों ने छोटा सा गार्डन बना के रखा हुआ है। ये सुपड़ी बोलते हैं इसको जो अपन, ये देखो लग दिया, ये सुपड़ी है। ये यहाँ पे जो है बाम्बू के ज़्यादा से ज़्यादा घर है, बाम्बू के टाटियाँ बना के, ये देखो दिखने में काफ़ी अच्छा घर लगता है, और ये पुराने घर जैसा लगता है, लेकिन मुझे तो ये घर बहुत पसंद आती है, ये नाइट का कुछ कार्य। हाँ, तो ये जो लाइट है ये सेंसर वाला लाइट है, तो काफ़ी अच्छा है, जब आप यहाँ से गुजरते हो तो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, और जब आप वहाँ से चले जाते हो तो ऑटोमेटिक बंद होता है। तो ये पूरा बंद नहीं होता, थोड़ी ब्राइटनेस कम होती है, जब आप आते हो तो फुल ब्राइटनेस देती है। तो देखते हैं ये कैसा है ऑटो में, कैसे ऑटोमेटिक चालू होता है, देखो ये देखो। तो ये है लाइट, ऑटोमेटिक सोलर पैनल वाला है ये, शूटिंग अभी कैसे ऑटोमेटिक चालू होता देखेंगे। ये वाला लाइट है, ये सेंसर वाला, ये ऑटोमेटिक चालू होता है मारुतिगुड़ा में, ये एक काफ़ी अच्छी सुविधा है। तो हम बालाजी सर के घर में खाना खा रहे हैं, ये देखो बालाजी सिंह, और ये जो हमारा टेंट का सामान है वो बैग से निकाला जा रहा है, और ये हमारे दो बैग जो इसमें सब सामान था। तो अभी हम टेंट लगाने की तैयारी में चालू है। तो आप लोग बोल रहे थे कि नीरज भाई आप टेंट लगाते समय दिखाओ, तो इसलिए आज टेंट का भी, टेंट कैसे लगाते वो भी दिखाएंगे। तो अभी
काम चालू है टेंट लगाने की लगाने का। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट में टेंट रेडी हो जाता है, लेकिन उसकी एक लगाने की जो टेक्निकल है वो अलग होनी चाहिए। अपने टेंट होके हो गया तो अभी हम अपना सामान रखते हैं कुछ, और ये हमारी बैग और चादर भी डाल देंगे बाद में, और सोने की तैयारी करते हैं जल्दी फटाफट। तो अभी एक बैग मैग डाल रहे हैं हम, तो बाद में सोने के बाद हम एकदम सुबह उठेंगे हम। तो तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। और हम अभी सामान रखने वाले हैं तो एडवांस में आपको बोल ही दिया है। तो अभी नींद तो बहुत आ रही है क्योंकि साइकिल राइडिंग करते करते मैं भी काफ़ी थक जाता हूँ। तो यहाँ पे बच्चे लोग बहुत चिल्ला रहे हैं तो मैं फिर से गुड नाइट, हम सुबह मिलते हैं। तो चलो अभी सोने की तैयारी चालू है हमारी। तो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, हम अभी सो कर उठे हैं अपने टेंट से। तो चलो फ्रेश होते हैं, बाद में आपको कुछ नज़ारा दिखा दें। ये देखो मॉर्निंग का कुछ ऐसा ही है, बाहर से देखो काफ़ी शानदार ये है। हमने जहाँ पे कैंपिंग की थी तो ये मारुतिगुड़ा है जो मानिकगढ़ के पास में आता है, तो प्लेस काफ़ी अच्छा है। तो मैं साइकिल राइडिंग करके यही आया था, तो इनके यही कैंपिंग की थी। तो कल हम इनके घर के बाजू में कैंपिंग की थी, इनके घर के बाजू में ही सोया था। और रात में बारिश आने की वजह से इन्होंने हमें बहुत आसरा दिया। ये अपने बालाजी श्रीराम सर है जो गोंडी कोलामी सॉन्ग सभी, तो ये डायरेक्टर है। तो हमारे जो ईशत राव जी सिंगर है वो गाते हैं। तो हम मारुतिगुड़ा में रुके थे। तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।